मोती के बनने के पीछे आपने बहुत सी पौराणिक कथाएं और कहानियां सुनी होंगी। कुछ कहानियों के अनुसार मोती भगवान के आंसू होते हैं, जबकि कुछ के हिसाब से मोती चंद्रमा की रोशनी से भरी उसकी बूंदें हैं, जिन्हें समुद्र में गिरने पर सीप निगल लेती है। लेकिन इन सब कहानियों से हटकर क्या आपने कभी सोचा है कि मोती कैसे बनता है? सीप की खोल दो भागों से मिलकर बनी होती है। ये दोनों भाग एक दूसरे से एक इलास्टिक लिगामेंट से जुड़े होते हैं। खोल के अंदर मेंटल नाम का एक अंग सीप के दूसरे नाजुक अंगों के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। जब कोई बाहरी तत्व जैसे खाने का कण या परजीवी सीप में फिसलकर कवच और मेंटल के बीच चला जाता है, तब मोती का निर्माण शुरू होता है। सीप इन बाहरी तत्वों को पहचान कर इन पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत को कई बार अरैगोनाइट तो कई बार अरैगोनाइट और कैल्साइट के मिश्रण के रूप में जमा करने लगती है। सीप इन परतों को जोड़ने के लिए प्रोटीन कॉन्चियोलिन की एक बहुत पतली परत का निर्माण करती है, जो कि गोंद की तरह काम करता है। अरैगोनाइट और कॉन्चियोलिन के इस मिश्रण को सीप की कौड़ी या नेकर कहा जाता है। इसका इस्तेमाल सीप अपनी भीतरी खोल को बनाने में भी करती है। सीप कई सालों तक लगातार बाहरी तत्वों पर नेकर की परत दर परत जमा करती रहती है और इस तरह हमें मोती मिलता है। इस प्राकृतिक तरीके से बने मोती को खोजना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि समुद्र में पाए जाने वाले हर 10,000 सीप में से केवल एक सीप के अंदर ही मोती होता है। और तो और, समुद्र में सीपों के रहने की जगहें ज़्यादा मछली पकड़ने, ऑयल ड्रिलिंग और प्रदूषण की वजह से ख़त्म भी होती जा रही हैं। यही कारण है कि बाज़ार में आने वाले ज़्यादातर मोती सीपों के फार्म या सीपों की खेती से आते हैं। मोती बनने की प्रक्रिया खेती से बनी मोती और प्राकृतिक रूप से बनी मोती दोनों में एक जैसी ही होती है। परंपरागत मोती बनाने के लिए हार्वेस्टर सीप के कवच को खोलते हैं और उसके टिश्यू में एक छोटा सा चीरा लगा देते हैं। इसके बाद एक छोटे से बाहरी तत्व को मेंटल के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है। सीप धीरे धीरे इस बाहरी तत्व के चारों तरफ नेकर को इकट्ठा करना शुरू कर देती है और कुछ महीनों के बाद हमें मोती मिल जाता है। अगर क्वालिटी की बात करें तो परंपरागत और प्राकृतिक मोती दोनों लगभग एक जैसी क्वालिटी के ही होते हैं, मगर प्राकृतिक मोती के दुर्लभ होने के कारण इसकी कीमत खेती से बनाए गए मोती से बहुत ज़्यादा होती है। हम जो भी मोती ज्वेलरी स्टोर में देखते हैं वो गोल होते हैं, लेकिन कुछ मोतियों का आकार असामान्य होता है और ऐसे मोतियों को बरोक पर्ल्स या विचित्र मोती भी कहा जाता है। मोती बहुत से रंगों में पाए जाते हैं और मोती किस रंग का होगा ये बात मुख्यतः सीप के नस्ल से डिसाइड होती है। रंग को प्रभावित करने वाले दूसरे कारणों में सीप का भोजन, पानी का तापमान और प्रदूषण आदि शामिल हैं। मोती सामान्यतः पूरे विश्व में पाए जाते हैं, लेकिन काले मोती केवल दक्षिणी प्रशांत महासागर में ही पाए जाते हैं। तो ये है मोतियों के बनने के पीछे की पूरी कहानी। अगली बार जब कोई मोतियों की बात करे तो उसे ये पूरी कहानी बताना ना भूलिएगा। क्या आप किसी चीज़ के बारे में उत्सुक हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।